गाइस आप लोगों को पता है लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था कि मैं रैबिट्स लेकर आ गया हूँ। अच्छा बड़ी मजे की बात आपसे डिस्कस करता हूँ। देखें इतना दिल करता है ना मेरा कि मैं दुनिया की हर चीज रखूँ, कि कई बार ऐसा होता है कि घर वाले परेशान हो जाते हैं, कहते हैं यार ये कहीं जू ना बना दे पूरे घर को। तो हमारे एक टीचर थे, उनकी एक बात याद आती है, तो वो इस तरह कहते थे, मंजिल मिलेगी भटक के ही सही। ये शेर आज के टाइम पे बड़ा अच्छा फिट हो रहा है, और यही शेर मैंने यूट्यूब पे किसी लेडी को कहते हुए सुन लिया, सेम वही, मंजिल मिलेगी भटक के सही, वो क्या पहुंचे जो घर से निकले ही नहीं। सो आ जाओ मैं आपको रैबिट दिखाता हूँ। सो गाइस इतने मतलब इतना अच्छा लगता है ना। मेरे फादर ने कहा इनको मिट्टी बहुत पसंद है, तो मिट्टी ले आ, आपका भाई मिट्टी मंगवाई और यहाँ डाल दी ताकि ये सेटिस्फाई रहे। मैं आपको दिखाता हूँ आज वाले। वो नहीं होता, वो कौन सा प्रोग्राम आता था स्टार प्लस पे, ओ माय गॉड ओ माय गॉड। गाइस ये देखें हमारे खरगोश क्या कर रहे हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं यार, ये बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। मैं इतना खुश हूँ कि मैं क्या बताऊँ, मैं खाना नहीं खाया मैंने 2 दिन से, मैं इनको देखता रहता हूँ। कभी मैं लूसन ला के डाल रहा हूँ, कभी मैं पालक ला के घुसेड़ रहा हूँ, कभी गाजरें काट के डाल रहा हूँ। मतलब घर वाले कह रहे हैं इतना तो कभी हम पे नहीं खर्चा हुआ जितना इन पे हो रहा है, मतलब ये लग्जूरियस लाइफ गुजार रहे हैं। सो उसकी वजह यही है कि भाई बड़े शौक से लेकर आए हैं, दिल से लेकर आया आपका भाई। और जाहिर है जानवर है तो ख्याल भी रखना पड़ता है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कुर्बानी का जानवर ले लिया हम लोगों ने। जैसे कुर्बानी के जानवर को नहीं ख्याल रखते, पानी कैसे पिएगा वो, ये रात को सोएगा कैसे, वो देखें खड़ा हो जाता है एक, कितना क्यूट लग रहा है। अब मैं आपको कुछ इनकी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता हूँ। ये देखें गाइस ये अपनी मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी से हमारे पास आ भी जाते हैं, अपनी मर्जी से ही हमसे डर भी जाते हैं, भाग भी जाते हैं। इनकी एक्टिविटी देखें कितनी डिफरेंट है इनकी एक्टिविटी, और किस तरह एक साथ घूमते फिरते हैं, बैठते हैं ये। अच्छा गाइस मेरे को लगा कि ये वाइट है ना तो इनको ख्याल करना पड़ेगा वरना गंदे होते रहेंगे ये, लेकिन कितनी अच्छी बात है कि ये गंदे ही नहीं हो रहे, ये गंदे ही नहीं हो रहे। और कभी कभार ये सिर्फ गाजर खा रहे होते हैं, कभी कभार ये कंगनी का छिलका भी खा जाते हैं। मतलब किसी ने अगर किसी का फार्म वार्म है और कंगनी का छिलका बेबहा बेइंतहा बेतहाशा है अगर, तो भाई उसकी तो फिर टेंशन ही नहीं है, ये तो कचरे पे पल जाएंगे। ये देखें गाइस कितना मतलब करीब करीब आ रहे हैं यार, ये कितने करीब आ रहे हैं, मतलब इतना प्यार तो मुझे कभी किसी ने नहीं किया जितना इन्होंने किया है। मतलब ये सच्चा प्यार कर रहे हैं यार, देखो कितने क्यूट लग रहे हैं। और इनके कान पता नहीं लंबे होंगे या नहीं होंगे, लंबे या इतने ही रहेंगे, मुझे तो पहले समझ में नहीं आ रही थी कि इनको खिलाऊंगा क्या, क्योंकि शुरू में जब ये आए थे ना नए नए तो ये खाली गाजर खा रहे थे। अब गाजर का सुन के जो है ना मेरे टमाटर निकल गए थे, क्योंकि भाई गाजर जो है ना आपको पता है कैरेट इज़ सो एक्सपेंसिव दीज डेज, लोग अपने घर बेच के गाजरें ले रहे हैं। और मेरे फादर ने बोला अगर तू इनको गाजर खिलाएगा तो हम तो मतलब कहीं ऐसा ना हम लोग रोड पे आ जाएंगे। काफ़ी बहुत ज़्यादा रहे थे ये। पहले टाइम पे क्या होता था, लोग गोल्ड लेके रखते थे घर में इन्वेस्ट करने के लिए, आजकल लोग चीनी खरीद के रख रहे हैं, सब्जियां खरीद के रख रहे हैं, बोल रहे हैं महंगी हो जाएंगी कल तक, अभी से ही ले लो। तो गाइज हमने भी इन्वेस्टमेंट कर दी छोटी सी, ये भी महंगे हो जाएंगे ना, ये भी खाए जाते हैं। आप सोचें यार कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट है ये, मतलब इनको पका के भी खाया जा सकता है, इनसे खेलते रहो, प्यार से चमाटे करा दो इनको, दो चार पटक दो उठा के मजाक से। अच्छा इनमें एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ बड़ी मज़े की। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि इनको अगर कान से उठा लो ना तो इनको कुछ भी नहीं होता, मतलब मैं ट्राई करता हूँ इसको कान से पकड़ने की, जैसे बकरे को नहीं उठा लेते। सो गाइज एक को मैंने पकड़ा तो लिया, अब पता नहीं इसको कैसा लगेगा। ओ भाई गुस्सा हो रहा है। इनको दर्द नहीं होता, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, पता कई लोग होते हैं ना जो क्या बोलते हैं उसको, लिबरल्स, तुमने इनको कान से उठा लिया, इसको कितना दर्द हो रहा होगा। अरे भाई जिंदगी हमारे बाल नोच रही है, हमें दर्द नहीं हो रहा। खरगोश को, खरगोश को कैसे दर्द होगा। अच्छा एक और बात बताता हूँ बड़ी मजे की आपको। अच्छा इनको जो है ना जब इनकी माँ उठाती है ना पकड़ के, कभी भी डॉगी को भी देख लें आप, किसी भी जानवर को देख लें, जब कोई भी माँ अपने बच्चे को उठाती है ना वो यहाँ से पकड़ के उठाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, इनको दर्द नहीं होती है, बट जो ओवर सेंसिटिव लोग होते हैं ना उनको ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या हो गया। अच्छा वो उठाती है गुद्दी से, ये देखें गर्दन के पास ना यहाँ से पकड़ लेगी, कुत्ता भी अपने बच्चों को यहीं से उठाता है। ये देखें गाइस इसको कुछ भी नहीं हो रहा, ना दर्द हो रही है ना कुछ हो रहा है, देख लें कोई दर्द नहीं हो रहा, बस ये थोड़ा सा गुस्सा हो रहा है कि मुझे क्यों पकड़ा हुआ है। सो यहाँ से आप इनको पकड़ सकते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर, मैं आपको दिखा रहा हूँ जस्ट फॉर फन कि
जी आप इसको यहाँ से भी पकड़ कर उठा सकते हैं, ये देखें। सो कितने क्यूट लग रहे हैं, और हम इनको अंदर भी ले आते हैं। मुझे लगा इनको बार बार नहलाना पड़ेगा या कुछ ऐसा वैसा, कुछ भी नहीं है भाई। दे आर, ये मेरे से ज़्यादा साफ़ हैं, पता है आपको? मतलब इतने साफ रह रहे हैं ये कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, इतने वाइट कैसे रह रहे हैं ये। और अपनी सफाई खुद करते हैं, ये देखें। अभी ये देखें क्या कर रहा है, पता नहीं अपने हाथों से क्या करते हैं ये। और खाने में भी देख लें, कुछ भी खा जाते हैं उठा के। कभी कभार हम इनके पीछे भाग रहे होते हैं कि ये खा लो वो खा लो, और कभी कभार ये शॉपर उठा के खा जाते हैं। मजाक कर रहा हूँ, शॉपर तो खैर नहीं उठाते। ये फली का छिलका रखा हुआ, लकड़ी का बुरादा खा गया भाई उठा के, सूखा बुरादा, खुश्क। पानी ये नहीं पीते, क्योंकि ज़्यादातर खुराक इनकी गीली होती है, तो इसलिए पानी की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट इनको होती नहीं है। अब ये फलियों के छिलके रखे हुए थे, इन्होंने वो खाना शुरू कर दिया। और मैंने देखा है मार्केट में, भाई कोई बंदा भुट्टे के छिलके खिला रहा था बर्ड, अपने इनको, बर्ड कह रहा हूँ, और रैबिट्स को, और वो खा भी रहे थे। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। किसी को भी अगर बर्ड्स की, एनिमल्स की ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकता है। BM लिख कर सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0349 22 00 45। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।